हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। आज इस वीडियो में सीटेट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं, और उसमें भी हम पार्ट ईवीएस का जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, और ईवीएस के जो क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर सीटेट जो यानी कि लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन और उनका किस तरह से आंसर आपको देना है। ये जो बुक है जिसमें से हम इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ये चक्षु पब्लिकेशन की सीटेट की बुक है, जो कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट गाइड बुक है, जिसमें आपको 1 से 5 तक के लिए सभी सब्जेक्ट यहाँ पर तैयार करवाए जा रहे हैं। और इसमें 3000 से भी ज़्यादा प्रश्न हैं, सीटेट पाठ्यक्रम अनुसार थ्योरी है और 2 शॉर्ट पेपर हैं। तो इसी का 2020 का ईवीएस का पार्ट आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं ईवीएस के पार्ट पर। तो हम आ चुके हैं पर्यावरण अध्ययन के पार्ट पर। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी, और ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक से हमने ये लिया है। तो वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर 2020 और 19 के मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो लास्ट 2 पेपर हुए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। उपाख्यान अभिलेख में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? और इसका सही आंसर है, यहाँ पर आपको पॉइंट दिए हैं 4 और ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए और बी, यानी कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये चीज़ें दर्ज नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो ये क्वेश्चन चक्षु पब्लिकेशन से है। अगर आपको बुक अच्छी लगती है, अगर आपको तैयारी करनी है, सारी चीज़ें इसमें आपको दी हुई हैं, और आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर है ऑप्शन डी, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप ईवीएस में देखते हैं तो ईवीएस में आप एक ऐसा पार्ट देखेंगे जिसमें आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हिस्ट्री से भी दी हुई हो या ज्योग्राफी से भी दी हुई हो, तो ऐसे 1 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ठीक है, ईवीएस का मतलब ही यही है। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो 6, अगर आप सीटेट का सिलेबस देखेंगे तो वहां पर आपको 6 विषय दिए होंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो उन 6 विषयों का नाम जरूर ध्यान रख लें। ठीक है, सबसे और इसमें कौन से टाइटल हैं, कौन से सब टाइटल हैं, वो भी आप ध्यान रखें। उसके अंदर अंदर आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, ये भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है 64 क्वेश्चन नंबर। आप मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर सोच सकते हैं, और इसका सही आंसर है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है, तो ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है, स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? और राइट ऑप्शन है, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी है और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा है, उन्हें चाहता था, तो ये क्वेश्चन चक्षु पब्लिकेशन की बुक से लिए गए हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना वो भी आपको इस बुक में मिलता है, तो मैं लास्ट में आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगी। ठीक है, किस तरह से इन्होंने दिया हुआ है, आंसर मिलेंगे फिर एक्सप्लेनेशन होंगे, यानी कि उत्तर जो होंगे वो व्याख्या सहित होंगे। तो यहाँ पर 66 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना।
नेक्स्ट है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद पर आयोजन किया है। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? राइट ऑप्शन है इसका सी, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। नेक्स्ट है ईबीएस में मानचित्रण कौशल 68, क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। 69 पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है? और राइट ऑप्शन है इसका डी, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य का समायोजित करने के लिए उससे बात करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अवधारणा का मानचित्रण। नेक्स्ट है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के लिए अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? और ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, क्या उद्देश्य है? तो 4 पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पर, ऑप्शन है ए सी डी, ए डी केवल ए और सी, या ए बी और सी। और राइट ऑप्शन है ए सी डी, यानी कि यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षा सॉरी यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, और यह शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है, ना कि अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ये गलत होगा, बाकी ए सी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, और राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? राइट ऑप्शन है इसका, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक मुक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, और राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। और एक और क्वेश्चन, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपर्युक्त कार्य के लिए ठीक होगा? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका घर एक्स पर स्थित है, यदि आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं, अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर स्थित है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कहां पर है आपका, और यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है 100 मीटर ठीक पूर्व, 100 मीटर ठीक पश्चिम, 125 मीटर ठीक उत्तर, या 125 ठीक दक्षिण। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, और ये सॉल्यूशन आपको विद एग्जांपल मिलेगा, विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सॉरी एग्जांपल नहीं, विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा चक्षु पब्लिकेशन की बुक में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यदि आपका घर एक्स पर स्थित है, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक्स बनाया, और आपका विद्यालय कहाँ पर है, वाई पर स्थित है, यहाँ वाई बनाया, यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है तो सामने ही हमने वाई को रखा है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, मतलब आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः पहले आपको ठीक दक्षिण में, दक्षिण कहाँ है, तो ये चार दिशाएं आप ध्यान रखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, और इसके अलावा बाकी की चार भी, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गई है, ये ईस्ट एंड साउथ है, ये वेस्ट साउथ है, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ या नॉर्थ
वेस्ट, ठीक है, इस तरह से आप रख सकते हैं ध्यान। अभी यहाँ दक्षिण में जाना है तो आपको कहाँ जाना है, नीचे की तरफ जाना है 125 मीटर दूर, 125 मीटर दूर जाना है, क्लियर। फिर आपको ठीक पूर्व में, पूर्व ईस्ट को कहते हैं, तो यहाँ पर 100 मीटर लंबी सुरंग, 100 मीटर लंबी सुरंग जानी है, यानी कि ठीक है पथ पार करना। अब आपको ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई तक पहुंचना है, यानी कि वाई अगर यहाँ पर हम सामने बनाते हैं तो यहाँ तक आपको फिर से 125 मीटर पर पहुंचना है, ठीक है। तो वाई पर विद्यालय के सापेक्ष बताना है, तो क्या सापेक्ष है ये आपको बताना है, तो आप देख सकते हैं कि सही आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। सॉरी, सही आंसर निकल के आ जाएगा 100 मीटर ठीक पश्चिम, क्योंकि आपने जो गैप कवर किया था ये वाला, जो 100 मीटर आप गए हो ना, ये गैप कवर किया था, तो ये जो गैप आ गया, तो ये कितना है, एक्स और वाई के मीटर कितनी दूरी पर है, ये पश्चिम पे, ये क्या है पश्चिम की, यानी कि वाई किसके है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 100 मीटर ठीक पश्चिम। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ है जंगल, तोरंग का अर्थ जंगल है कौन से एक राज्य में, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। तो झारखंड में तोरंग को जंगल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में, छत्तों के विषय में सही नहीं है। राइट ऑप्शन है नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ठीक है, और सेम ऐसा ही चींटियों के साथ भी होता है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, और ये आई थी दक्षिण अमेरिका से, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका से। नेक्स्ट, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा, स्पेशली इस साल ऑनलाइन। तो आप इसका एक फॉर्मूला है, स्पीड बराबर, यानी कि गति बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, आप इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो आप इसको 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ, पहले अगर आप दूरी निकालेंगे कितना समय है, कितनी दूरी, यहाँ पर ऑलरेडी दूरी दी हुई है, टाइम निकाल लीजिए कितना टाइम, जो समय निकलेगा उसको डिवाइड कर दीजिए इस दूरी में, तो स्पीड आपकी औसत जो चाल है ना वो निकल कर आ जाएगी। तो आप इसको करके देखिए सॉल्व, आपको आसानी से मिल जाएगा, और इसका सही आंसर 38.5 किलोमीटर आज की निकलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं, राइट ऑप्शन है बी गुजरात और तमिलनाडु कच्चे तेल के उत्पादक हैं, पेट्रोलियम कच्चे तेल के। नेक्स्ट है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था, तो ये बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये भीमराव अंबेडकर, इन्हीं के नेतृत्व में संविधान बनाया गया था। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए, राइट ऑप्शन है सी ए सी और डी, यानी कि पौधे को सहारा देता है, यहाँ पर हमें जड़ों के कार्य बताने हैं, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं तो जड़ों के कार्य बताने थे। सी है भोजन संचित करता है, पानी और खनिजों को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो संघ शासित प्रदेश जो है वो मणिपुर नहीं है, जम्मू कश्मीर चंडीगढ़ और लद्दाख है। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, और राइट ऑप्शन है इसका गुड़, सॉरी आंवला पालक और गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने में योग्य है, तो
ये बुक जो है ना चक्षु पब्लिकेशन की है, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मिल जाएगी। अच्छे से आपको सॉल्व पेपर दिए हुए हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उत्तर जो है व्याख्या सहित भी दिए हुए हैं, और वैसे भी ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन राइट आंसर होता है वो भी दिए हुए हैं। तो आप दोनों तरह से अपने क्वेश्चन के चेक कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाज, चील और गिद्ध। नेक्स्ट है पोचमपल्ली, भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसमें जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा आप किस राज्य में प्राप्त, मतलब किस राज्य का भाग है? और राइट ऑप्शन है बी तेलंगाना, ऑप्शन बी तेलंगाना। नेक्स्ट है भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। तो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैप जरूर पढ़ के जाएं भारत का, कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा राज्य, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन से राज्य से किस देश की सीमाएं टच करती हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे अक्सर हर एग्जाम में सीटेट के पूछा जाता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत के नक्शे को जरूर पढ़ें, और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व इसका सही आंसर है, क्योंकि जो गांधीनगर है वो वेस्ट साइड पर है गुजरात, और पटना जो है वो ईस्ट साइड पर है। क्लियर? तो आप देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया, सॉरी ये किसने है, ठीक है, मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, और इसका सही आंसर है ग्रेगोर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो वहां पर बहुत बारिश आने की वजह से अक्सर बाढ़ आती रहती है, जिसकी वजह से लोग अपने मकान जो हैं बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। और राइट ऑप्शन है बी असम। इसी के साथ ये हमारा ईवीएस का पार्ट यहीं पर हम सॉल्व किया है, यहीं पर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे और क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी कि हिंदी के पार्ट को सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और अगर आप पूरा पेपर चाहते हैं तो ये आपको चक्षु पब्लिकेशन की बुक में मिलेगा। कंप्लीट गाइड है, 5ों विषयों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।